नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है और आर्म फोर्सेज के तीनों विंग, आर्मी, नेवी और एयर स्टाफ जो है उनको ये लेटर एड्रेस किया गया है। और जो भी पेंशनर 2006 से पहले रिटायर्ड हुए थे उनके रिगार्डिंग, उनकी पेंशन रिविजन के रिगार्डिंग ये लेटर है दोस्तों। तो इसमें क्या, चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। पहला एनेक्सर बी में जो ये बात बताना चाहते हैं वे कहते हैं कि जो एनसीज जो हैं उनकी पेंशन रिवीजन का जो रेट है वो जो सिपाही के लिए एप्लीकेबल है वही सेम टू सेम उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि रेट ऑफ पेंशन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनएससीज ऑफ आर्मी एज पर रेट्स एप्लीकेबल फॉर सिपाही ग्रुप सेट। तो यानी कि अगर उनको बार बार क्योरी आ रही थी कि हमारा पेंशन रिवीजन किस प्रकार से हो रहा है जो ग्रुप जेड सर्विसेज इंडियन आर्मी में सर्विस करते हैं और वहां से रिटायर्ड हुए हैं, तो उनकी पेंशन जो सिपाही रैंक होती है उसके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही रिवाइज होगी। मिनिमम उसको, सिपाही को जितना मिलता है इनको भी उतना ही एप्लीकेबल होगा, उसी प्रकार से उनकी पेंशन और फैमिली पेंशन भी रिवाइज होगी। इसके अलावा एनेक्सर सी में उन्होंने एयरफोर्स का कुछ दिया है, जो रिटायर्ड हुए हैं एनसीज उनका मिनिमम ऑफ द फिटमेंट टेबल में 7,000 रुपये बनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग सर्विस पेंशन उनकी कम से कम 3,500 रुपये बनी। और इन्हांस्ड रेट जो है फैमिली पेंशन का वो भी मिनिमम 3,500 रखा गया है और नॉर्मल रेट भी 3,500 रखा गया है। इसके अलावा एनसी टिंडल उनके लिए मिनिमम फिटमेंट टेबल में 7,000 रुपये है, तो उसी के अकॉर्डिंग सर्विस पेंशन 3,500 रुपये और इन्हांस्ड फैमिली पेंशन भी 3,500 रुपये और नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन भी 3,500 रुपये, यानी कम से कम 3,500 रुपये तो पेंशन के मिलने ही मिलने हैं। एनसी हेड टिंडल के लिए थोड़ा ज़्यादा है, मिनिमम फिटमेंट टेबल में उनके लिए है 7,160, तो इसका हाफ कर दें तो सर्विस पेंशन कितनी होगी 3,580 रुपये और इन्हांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन भी 3,580 रुपये और नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन भी दोस्तों 3,500 रुपये बन जाती है। और बाकी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेंगी, फिटमेंट फैक्टर वगैरह अलाउंसेज जितने भी हैं, कॉन्स्टेंट अटेंडेंस अलाउंस से लेकर मेडिकल अलाउंस तक के। और फॉरेंस मिनिस्ट्री के संज्ञान में ये लेटर जारी किया गया है दोस्तों, और ये मनोज सिन्हा जो है अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके द्वारा ये साइन किया गया है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।